देश में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच मुंबई का अस्पताल बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इन हॉस्पिटल ने अभिभावकों को बच्चों के कोविड 19 वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाया है। सूत्रों के अनुसार SRCC चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ने 2 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता को उनके बच्चों के मुफ्त कोरोना टीकाकरण के पंजीकरण के लिए बुलाया है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने कहा है कि वैक्सीनेशन की तारीख सरकार से अनुमति मिलने के बाद घोषित की जाएगी। ये खबर ऐसे समय आई है जब मुंबई में नगरीय निकाय केंद्र सरकार से बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत करने के लिए गाइडलाइन का इंतजार कर रहा है। एक महीने पहले मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा था कि बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 2 से 17 साल के आयु वर्ग वाले 33 लाख बच्चों के कोविड 19 वैक्सीनेशन की शुरुआत करने के लिए तैयार है, लेकिन इसे लेकर हमें सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है। एक मीडिया इवेंट में किशोरी पेडनेकर ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन और पर्याप्त वैक्सीन मिलने के बाद बच्चों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। चूंकि मुंबई में क्लास 8 से 12 क्लासेस के लिए स्कूल दोबारा से खुल चुके हैं और BMC ने पहले ही इस बात का संकेत दिया था कि बच्चों के कोरोना वैक्सीन के लिए तैयार हैं। जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से अनुमति मिलती है, हम बच्चों का टीकाकरण शुरू कर देंगे और इसके लिए किसी भी प्रकार से मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। बता दें कि 12 अक्टूबर को सरकार द्वारा गठित सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोविड वैक्सीनेशन अभियान में बच्चों को शामिल करने के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 2 से 17 साल के बच्चों पर इमरजेंसी यूज की अनुमति दी थी। जानकारी के अनुसार देश में दिसंबर के पहले हफ्ते में बच्चों को कोरोना का टीका लगाए जाने की शुरुआत हो सकती है। देश में 18 साल से कम उम्र के 44 करोड़ बच्चे हैं, लेकिन सबसे पहले लगभग 6 करोड़ बच्चों को वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए डिटेल प्लान तैयार किया जा रहा है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।